इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रमन स्पेक्ट्रा। इसका इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे कि रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसमें कौन कौन सी लाइंस होती हैं। इसके बाद वो जो रमन स्पेक्ट्रा है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी लाइंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, किस पर डिपेंड नहीं करती, इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाद में वो लाइन क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर उन सबको एक्सप्लेन करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद। वहाँ देखेंगे कि स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइंस कौन कौन सी होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम क्या करें, हम विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, इनको हम फॉल करें कहाँ पर, एक गैस में, या कह सकते हैं कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो, उससे पास कर दें। तो पास होने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, हमें जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो भी दिखाई देगी, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एडिशनल लाइन भी दिखाई देंगे, या कह सकते हैं उसके साथ साथ एडिशनल फ्रीक्वेंसी की लाइन भी दिखाई देंगी। ये एडिशनल फ्रीक्वेंसी की लाइन ज़्यादा भी हैं कुछ, यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन भी होंगी और कुछ कम फ्रीक्वेंसी की लाइन भी होंगी, या कह सकते हैं हायर साइड भी होंगी और कुछ लोअर साइड भी होंगी। तो ये फ्रीक्वेंसी की लाइन जो लोअर साइड होंगी उन्हें कहेंगे स्टॉक्स लाइंस, और जो फ्रीक्वेंसी की लाइन हायर साइड होंगे उन्हें कहेंगे एंटी स्टॉक्स लाइंस। तो ये जो पूरा फिनोमेना है, इस फिनोमेना का नाम है रमन इफेक्ट। और ये जो लाइन है जो लोअर साइड और हायर साइड में है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, रमन लाइंस। अब ये लाइन क्यों आ रही है, या इन लाइन को अगर स्टडी करें तो ये किस चीज पर डिपेंड करती है, या कह सकते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। तब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रमन लाइंस, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक, तो अभी डिस्कस किया था कि जो रमन लाइंस हैं वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के कुछ हायर साइड होंगी और कुछ लोअर साइड होंगी। तो कितना डिस्प्लेस हो रही है ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रमन लाइंस डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पर डिपेंड करेगा, इट इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है जिस मटेरियल से आपने वो लाइट अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट पास की थी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि वो जो फ्रीक्वेंसी है रमन लाइन की फ्रीक्वेंसी है वो कितना शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब यहाँ से हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में है कि जो रमन लाइन है जब ये इनका इमिशन होगा, या कह सकते इन द इमिशन ऑफ रमन लाइन्स, रमन लाइन के इमिशन में जो मॉलिक्यूल है उसकी वाइब्रेशन और रोटेशन स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रमन इफेक्ट है ये मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। तो ये रमन इफेक्ट एक्चुअली क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फिनोमेना हुआ, बिकॉज जब रमन लाइंस इमिट होंगी तो उस मॉलिक्यूल की रोटेशन वाइब्रेशन स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। फोर्थ देखते हैं, कितनी रमन लाइन है। तो जब हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजोल्यूशन कितना है। फॉर लो रिजोल्यूशन तो लो रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो हमारे पास जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसके इधर और इधर
बराबर डिस्टेंस पर या बराबर डिस्प्लेसमेंट पर एक स्टोक लाइन दिखाई देगी और एक एंटी स्टोक लाइन दिखाई देगी। तो ये इनका डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं ये है डेल्टा न्यू, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है डेल्टा न्यू। अगर रिजोल्यूशन हमारा इंस्ट्रूमेंट का कम है तो हमें एक स्टोक लाइन और एक एंटी स्टोक लाइन, तो ये क्या हुआ स्टोक्स लाइन्स और ये क्या हुई ये हुई एंटी स्टोक लाइन। ये न्यू है फ्रीक्वेंसी और ये न्यू जीरो है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। बट अगर हम इसका रिजोल्यूशन बढ़ा दें या कह सकते हैं फॉर हाई रिजोल्यूशन, हमें इसके साथ साथ कुछ क्या दिखाई देंगे क्लोजली स्पेस लाइन भी दिखाई देंगे। तो यहां हमें क्या दिखाई देंगे यहां हमें क्लोजली स्पेस लाइन भी दिखाई देंगे। ये एक्चुअली है क्या देखिए यहां से यहां तक ये एक वाइब्रेशन का ट्रांजिशन है, यहाँ से यहाँ तक ये वाइब्रेशन का ट्रांजिशन है। जब हमारा रिजोल्यूशन लो था तो हमारा जो रिजोल्यूशन है इंस्ट्रूमेंट का वो रोटेशनल ट्रांजिशन को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। जब हमने उसका रिजोल्यूशन बढ़ाया तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है ये एक्चुअली रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन की वजह से क्लोजली स्पेस लाइन मिल रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रमन इफेक्ट है ये किसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन स्टेट्स और रोटेशन स्टेट्स को स्टडी करने के काम आ सकता है। अब बात ये आती है कि हमने जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी उससे कम हमें स्टोक्स लाइंस मिल रही है, उससे ज़्यादा कैसे मिल जाती हैं इस एंटी स्टोक्स लाइन। तो हम इनको एक्सप्लेन करते हैं किसके बेसिस पर, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है अगर उसका वेव नंबर है न्यू तो उसकी एनर्जी हो जाएगी कितनी एच सी न्यू। अब क्या है अब जो इंसिडेंट फोटोन है वो जो मॉलिक्यूल है उससे कोलाइड करेगा, तो वो कोलिजन दो तरीके से हो सकता है इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो देखिए अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो नो एनर्जी लॉस और गेन ऑफ फोटोन, इसका मतलब क्या हुआ जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी कह सकते हैं नो फ्रीक्वेंसी चेंज और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू ही रहेगी। अब कोलिजन कैसे हो सकता है दूसरा केस में इनइलास्टिक हो सकता है। इनइलास्टिक में देखिए दो केसेस हो सकते हैं, जब वो इनइलास्टिक कोलिजन है तो मॉलिक्यूल कहाँ पर है, तो जब इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो मॉलिक्यूल एक केस हो सकता है मॉलिक्यूल इज इन ग्राउंड स्टेट और पहली एक केस हो सकता है कि मॉलिक्यूल इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो होगा क्या कि जब ट्रांजिशन होगा तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा कहां पर एक्साइटेड स्टेट में इसी तरह, और यहां क्या होगा मॉलिक्यूल पहले एक्साइटेड स्टेट में था और जब ये इंसिडेंट फोटोन आया तो उसके दौरान ये मॉलिक्यूल कहां चला गया ग्राउंड स्टेट में चला गया। तो ग्राउंड स्टेट में जाने का मतलब ये एनर्जी एक्चुअली इसकी बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो फोटोन है या इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगा या लेस फ्रीक्वेंसी होगी या स्टोक्स लाइन होगी। और यहां पर जो फोटोन है उस या कह सकते हैं जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी का गेन होगा और ये मोर फ्रीक्वेंसी और ये क्या आएगा
एंटी स्टोक्स लाइंस होंगे। इसको डायग्राम से शो करते हैं आप। देखिए डायग्राम से ऐसे कह सकते हैं, एक हम बनाते हैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट है और ये मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट है। इसको कह देते हैं ई डबल डैश और इसको कह देते हैं ई डैश। यहाँ जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी हो जाएगी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, उसकी एनर्जी हो जाएगी एच सी न्यू। अब देखिए यहाँ अगर ये मॉलिक्यूल पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में था तो ये क्या होगा, यहाँ से एनर्जी लेने के बाद एक एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कितनी एच सी न्यू। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, वो एच सी न्यू है यहाँ तक। यहाँ से फिर ये वापस आएगा, यानी कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर थोड़ी देर रहेगा और यहाँ से ये वापस आएगा कहाँ तक, मान लीजिए वापस आने में ये ग्राउंड स्टेट में नहीं आता और कहाँ पहुँचता है, अपने इस स्टेट में पहुँचता। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है कितना है, एच सी न्यू है। बट जो इनका डिफरेंस को हम यहाँ मान लेते हैं ये कितना है, ये है डेल्टा ई। तो जब ये वापस आएगा तो यही रह जाएगा, या कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में रह जाएगा। तो ये हो जाएगा एच सी न्यू माइनस डेल्टा ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली जो मॉलिक्यूल है यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये तो इंसिडेंट रेडिएशन है, इसे हम कह सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, और ये क्या हुई स्कैटर्ड, या कह सकते हैं जो ट्रांसमिटेड है उसकी एनर्जी हुई, या कह सकते हैं स्कैटर्ड। तो देखिए जो स्कैटर्ड है उसकी एनर्जी कम है। दूसरे केस में देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूल पहले एक्साइटेड स्टेट में था और जब ये ट्रांजिशन हुआ तो ये कितने ऊपर जाएगा एक्साइट, यहाँ से एच सी न्यू, यहाँ कोई लेवल बना देते हैं। तो ये डिफरेंस कितना है, ये है एच सी न्यू। और यहाँ से जब ये वापस आता है तो उस स्टेट में ना जाके ये ग्राउंड स्टेट में हो जाता है। तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी एनर्जी का, एच सी न्यू प्लस डेल्टा ई। और इसका मतलब इफेक्टिवली जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में चला गया। तो ये तो आपका क्या हुई, ये तो इंसिडेंट हुई और ये क्या हुई स्कैटर्ड हुई। तो इस केस में जो स्कैटर्ड है उसकी एनर्जी कम है, या कह सकते हैं ये स्टोक्स लाइंस हुई और ये एंटी स्टोक्स लाइंस हुई। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेव नंबर ऑफ स्टोक्स लाइंस कितना हुआ न्यू, कितना होगा एस कह सकता हूँ, स्टोक्स लाइंस का वेव नंबर कितना होगा, ये हो जाएगा जो एनर्जी है एच सी न्यू माइनस डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो इसे मैं कह सकता हूँ ये हो गया न्यू माइनस डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो जो स्टोक्स लाइन होगी उसका वेव नंबर उस इंसिडेंट वेव नंबर से कम होगा, वेव नंबर ऑफ एंटी स्टोक्स लाइंस। ये कितना हो जाएगा, इसे ए कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा एच सी न्यू माइनस डेल्टा ई, सॉरी प्लस डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो ये कितना हो जाएगा, न्यू प्लस डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो इसका जो वेव नंबर है एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा, या कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, मॉलिक्यूल अगर ग्राउंड स्टेट में है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है तो आपके पास स्टोक्स लाइंस आ रही हैं। मॉलिक्यूल अगर पहले से एक्साइटेड स्टेट में है वो ग्राउंड स्टेट में चला जा रहा है इंसिडेंट रेडिएशन को फॉलो होने पर, तो वो कौन सी लाइंस आएंगी, वो एंटी स्टोक्स लाइंस आएंगी। अब जो मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके ज़्यादा होंगे, ये कह सकते हैं यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो नंबर ज़्यादा है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नंबर लेस है। तो चूंकि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने की पॉसिबिलिटी मोर है और ये पॉसिबिलिटी क्या है, लेस है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल की संख्या ही लेस है।
इसका मतलब क्या हुआ, या कह सकते हैं नंबर ऑफ ये ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे और ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन इनके कम होंगे, तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी किसके, जो स्टॉक्स लाइंस हैं उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी किससे, एंटी स्टॉक्स लाइन से। इस तरीके से हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल है उसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी स्टडी हम इससे कर सकते हैं। थैंक यू।